तो देखो नाजिया घर छोड़ के जा रही है, अपना कपड़ा वगैरह पैक करके ये निकल गई है, निकल रही है इधर से देखो। घर छोड़ के भाग रही है हाँ और हम लोग निकाल दिए इसको। काम अरे करके बैठो, नहीं कि स्टार्ट हो जाएंगे खाना पकाना है, खाना पका, खाना पका। अरे तो ये दवाई वगैरह ले लिया मैं, और बाकी टेस्ट के लिए हमने दे दिए, कल रिपोर्ट आएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। कुछ उल्टा सीधा खा लिया, उसके वजह से मेरा तबीयत फिर से खराब हो गया। वही गले में खराश और सर्दी जुकाम और कमजोरी सा लग रहा है। ऐसे ही खांसी इतना आ रहा है कि खाँसते खाँसते उल्टी भी हो जा रहा है। ऐसे तो आज कहीं गया नहीं, मैं घर पे ही हूँ। देखो अभी हो सकता है अभी या फिर शाम को डॉक्टर वगैरह के पास जाके अपना चेकअप वगैरह करा के दवाई वगैरह लेके आऊँगा, फिर खाएंगे। और बाकी अभी खाना वगैरह खाते हैं और फिर देखते हैं, कहीं अभी निकल जाऊँ या फिर शाम को जाऊँ डॉक्टर वगैरह के पास। देख ही रहे हो यही हो रहा है सऊदी से आने के बाद। सऊदी में यह है कि रहो ना और बीमारी दबा रहता है, कोई बीमारी ऊपर नहीं आता है। तो एक बार मुझे अपने आप को पूरा एकदम फुल चेकअप करवाना है, खून से लेके ECG, एक्सरे वगैरह सब, कि कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं ना है कि बार बार तबीयत खराब हो जा रहा है। क्योंकि इतना नहीं होता था सऊदी में, आप लोग देखते थे कि मौसम चेंज होने पे चलो एक बार होता था, मैं पेनाडोल खा के ही अपना सही कर लेता था और उसके बाद फिर दोबारा नहीं होता था। मगर यहाँ पे तो हर दूसरे तीसरे दिन हो जा रहा है, तो ज़रूरी है पूरा चेकअप करवाना। ये अपना खाना आ गया, चावल है, दाल है और ये सब्जी है, परवल का और रोटी है। तो चलो दोस्त अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर निकलते हैं। अभी मैं और कालू जाके आज पूरा चेकअप करवा ही लेता हूँ मैं। तो देखो नाजिया घर छोड़ के जा रही है, अपना कपड़ा वगैरह पैक करके ये निकल रही है इधर से देखो। घर छोड़ के भाग रही है हाँ और हम लोग निकाल दिए काम इसको। करके बैठो, नहीं कि स्टार्ट हो जाएंगे खाना पकाना है, खाना पका, खाना पका, और खाएंगे 10 बजे और 4 बजे ही खाना पका के रख दो। बकलोल कहीं के वो चला का मारू तो 10-11 बजे तो खाते हो तुम लोग। तो तारा के होगा तो नहीं क्या कहा कि वो बता दो, भोजपुरी मत बोलो भाई, बोले ममता अपना मुझे समझ में नहीं आता बात। हम अपना देश के बढ़ाएंगे कि दूसरा देश के बढ़ाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता बात। हम भी हिंदी बोला कर ना बोले तार गूगल पागल हो गए तार गूगल पूछो, अच्छा दुनिया पूछो दुका गूगल से पूछा था लो आखिर तुम्हारी माँ तो हिंदी तो आता है ना, फिर क्यों नहीं बोल रही? हम हमारा हिंदी से ही बोल रहे हैं, हमारा भोजपुरी अच्छा लग रहा है, हमारे गांव के जो अल्लाह पाक हमारे के जमा धो लगिया से। तो चल दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी कालू फोन किया था कि आ जा घर पे, वहाँ से फिर चलते हैं लैब में। लैब में आज पूरा बॉडी चेकअप, खून से लेके एक्सरे वगैरह सब चेकअप करवा ही लेता हूँ मैं। सऊदी से आया हूँ या फिर 7-8 सालों से कभी करवाया नहीं हूँ, तो चेक करवा लेते हैं। कुछ बीमारी वगैरह तंदूरी नहीं ना है सऊदी में रहते रहते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ होगा तो उसका इलाज वगैरह करवाएंगे। क्योंकि बहुत ही यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत ही सेहत डाउन होता जा रहा है। खाना मैं टाइम से खा ही रहा हूँ और सऊदी से ज़्यादा अच्छा खा रहा हूँ। सऊदी में 2 ही टाइम खाया करता था मैं, बस दोपहर में और रात को, सुबह नाश्ता करता ही नहीं था मैं। बाकी शाम को कुछ बिस्कुट वगैरह बस यही खा लेता था, आप लोग देखते ही थे। तो वहाँ पे शरीर सही रहता था, यहाँ पे पता नहीं कि और गलता जा रहा है, गलता जा रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से कमजोरी कमजोरी सा रह रहा है, आँखों में देख रहे हो, आँखों में ऐसा लग रहा है कि एकदम कमजोरी सा है। तो ये सब चलो चलते हैं, निकलते हैं, फिर वहाँ पे जाके दे देते हैं सैंपल, बाकी रिपोर्ट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कल तक। तो आ गया मैं कालू के घर पे, यहाँ से कालू को लेता हूँ फिर चलता हूँ मैं लैब से। देखो बच्चे इतने कमीने होते हैं, अभी 1-1.5 घंटा पहले ये था, इसमें एक था ऐसे बंद करने वाला, बच्चे उठा के तोड़ दिए। ऐसे ही कुछ भी देखते हैं, चाहे यहाँ पे हो
तोड़ देते हैं, इसको खोलते कसते रहते हैं, मतलब उनमें ये सब मजा आता है सब तोड़ताड़ करने में। अब देखो ये सब रहता है कि बारिश का पानी हो तो अंदर ना जाए, मगर कोई उठाया होगा तोड़ दिया होगा, देखा होता ना मैं हाथ पर तोड़ देता उसका, फिर पूछता मैं कैसा लग रहा है, मेरा कुछ ना कुछ दबाते रहेंगे तोड़ते रहेंगे। देखो इसके अंदर का भी कॉटन लगा रहता है, नोचते रहते हैं अंदर बैठे बैठे, गाड़ी पे बैठे रहेंगे नोचते रहेंगे। तो आ गया अपना कालू, चलो अब इसको लेते हैं और लेके चलते हैं। तो आ गए हम लोग सूर्या लैब में, चलो अंदर चलते हैं। तो ये रेट है पूरा फुल बॉडी चेकअप का 1600। देखो हो गया, तभी इधर हम लोग आए थे अहमदाबाद पे पोटा कलेजी लेने के लिए, पोटा कलेजी ले रहा हूँ 1 किलो। तो आए थे हम लोग इधर मोहल्ला क्लिनिक में, ये सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही खुलता है, तब 2 बजे के बीच में आना चाहिए था हमें, इसके वजह से लेट हुआ। हाँ तो देखो बंगाली डॉक्टर का ये क्लिनिक बंद है, तो मैं कालू को यहीं पे लाइन में लगा देता हूँ, और जैसे ही खुलेगा सबसे पहले हमारा नंबर आएगा, कालू यहीं बैठा रहेगा जब तक ये खुलता नहीं है। तो देखो ये सुई वगैरह ख़रीदा मैं, अभी वो ब्लड लेंगे, ब्लड का सैंपल पूरा फुल चेकअप करवा रहा हूँ मैं अपना, 1300 के करीब बताए हैं यहाँ से, यही 9 नंबर में से। तो ये दवाई वगैरह ले लिया मैं, और बाकी टेस्ट के लिए हमने दे दिए, कल रिपोर्ट आएगा तो देखते हैं क्या निकलता है। चलो अभी चलते हैं फिलहाल घर पे। तो देखो नाजिया क्या केला क्या केला कले सब खा रही है, मेरा सोचा तबीयत खराब है क्यों ना फायदा उठा रही है, मेरा तबीयत खराब है तो उसका फायदा उठा रही है नाजिया। देखो ये देखो ये है कचौड़ी चाउमीन, हाँ माँ तड़प रही है, ये दिखा दिखा के खा रही है मुझे। तो इधर कैमरा दिखाओ, 2 चम्मच किसके लिए? दो चम्मच से खा रही है। वो चाउमीन इस चम्मच से खाती है और उस चम्मच खा रही है। हाँ तो कपड़ा किसके लिए? तो देखो दोस्तों अपना पोटा कलेजी आ गया है, अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, रोटी है पोटा कलेजी है जो लेके आया था शाम को, नाजिया बनाई है। चावल डॉक्टर ने मना किया है तो चावल अब से नहीं खाऊंगा, रोटी खा रहा हूँ, फिर उसके बाद दवाई खाऊंगा मैं, वो दवाई लेके आया हूँ। देखो खांसी वगैरह का है, और बाकी कल रिपोर्ट आएगा, देखो क्या होता है। अम्मी का तो रिपोर्ट आया था, वो जो हम चेकअप कराए थे वहाँ पे जाके जाकिर नगर में, तो सब नॉर्मल आया था, बस वही शुगर थोड़ा सा बढ़ा था। हमारे घर पे दो मेहमान हमारे घर दो मेहमान आने वाले बता दो मेहमान आएंगे परसों रिवील होगा उनका चाय। दो मेहमान आएंगे परसों, आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और कल तो नाजिया दावत में जाएगी, देखो नाजिया का दावत मिला है मकान मालिक के घर से। तो चलो दोस्तों आप लोग भी आओ बिस्मिल्लाह करवा के। तो दोस्तों खाना वगैरह हो गया, बाकी अब मैं जा रहा हूँ दवा खाने, बीपी लो भी है मेरा, कॉफ़ी वगैरह नाजिया पिलाती नहीं है मुझे, अकेले पीती रहती है। कॉफ़ी का डब्बा खरीद के ला, हाँ एक डब्बा खरीद के लेके आना पड़ेगा कॉफ़ी का, पी के हाई कर लेना है एकदम बिल्कुल, कि गुस्से में इसको पीटा करूँ। हाँ अभी मैं सुधर गया हूँ ना, ये लोग बहुत बहसते हैं, बचपन बचपन में खूब पीटे हैं ये लोग मेरे हाथों से। पूछ ले, याद नहीं है तो अमी से पूछ। नहीं
डरते थे दोनों बचपन में, ये अमीर हुआ करता था इसका पैर धोते थे तो 5 रुपए देता था अमीर बड़ू भी बेचारा बड़ा 5 रुपए तो ज्यादा ही बोल दिया मैंने मैं तो इसका 1-1 रुपए के लिए पैर धोई घिस घिस का तलवा एकदम चमका दे कोई जाकर रुला के 1 रुपए देता था उतने में ही खुश हो जाते थे मगर मेरा मार याद नहीं है चलो कोई नहीं किसी दिन पीटूंगा तेरे को उठा उठा पटकूंगा तो फिर मैं भी वो वुमेन कार्ड खेलूंगी मुद्दा उठाऊंगी कहाँ पे बिग बॉस सलमान खान के सामने जाके मुद्दा उठाएगी नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की पे हाथ उठाएगी सोशल मीडिया पे एक लड़की को हाथ उठाएगी सोशल मीडिया पर पीटा जाएगा एक लड़की को तो सबसे पहले तो सलमान खान ही भाग के आएगा कि नाजिया को क्यों पीटा है एकदम सलमान खान जाएगा ये भी बोलू आप लोग भी आओ दोस्तों दवाई खाने तो चलो दोस्तों दवाई खाने जा रहा हूँ मैं अब भी ज्वाइन करो।